HBN न्यूज, जो सच वही खबर। मैं अनुज पाल और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। खबरों पर विस्तार से जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री ने एक मेडिकल कॉलेज सहित 479 करोड़ की 77 अन्य परियोजनाओं का किया शिलान्यास। छिंदवाड़ा में किया गया युवक युवती सम्मेलन का आयोजन, 350 से अधिक युवक युवती ने दिया परिचय। अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा ने किया रक्तदान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा आगमन पर पुलिस द्वारा की जा रही है तैयारियां। और प्रयागराज में कुंभ 2019 का आयोजन होने जा रहा है, मंडलायुक्त ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री ने एक मेडिकल कॉलेज सहित 479 करोड़ और 17 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने जिले में एक मेडिकल कॉलेज सहित 779 करोड़ की 77 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को मेडिकल कॉलेज की बधाई, विकास की योजनाएं खुशहाली लाएंगी। इस मेडिकल कॉलेज से नेपाल के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। 15 जनवरी 2019 से मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। 2021 तक ये मेडिकल कॉलेज बनकर 5 मिनट आपकी तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास होना चाहिए कि सिद्धार्थनगर का उनका लगाव, सिद्धार्थनगर की धरती उनके लिए यह संदेश आज सिद्धार्थनगर की धरती। सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। जी सर, बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए। जिंदाबाद चलता रहे, कार्यक्रम भी चलता रहे। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था कि भरे दोपहरी में अंधेरा। मुख्यमंत्री जी का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मैं अनुरोध करूंगी सम्मानित मंच से पुत्र ठोकई विकास खंड नौगढ़ और इनके बाद श्रीमती निर्मला पत्नी राम किशोर विकास खंड नौगढ़। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन की स्वीकृति में तैयार हो जाएगा। घोषणाओं और नारों से समाज का कल्याण नहीं होता, हम रामराज्य की अवधारणा को लेकर चल रहे हैं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम भी कर रहे हैं। भारत नेपाल के बीच रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। नेपाल से जुड़ने वाली सड़कों को चौड़ा। इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। आपके पास आने वाले समय में 2 वर्ष के दौरान आपको यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही यहाँ के नौजवानों को, जो छात्र हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक स्थान प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी हम अच्छे चिकित्सक सिद्धार्थनगर से, इस मेडिकल कॉलेज से दे सकते हैं। इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। मित्रों, सिद्धार्थनगर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की यह जन्मभूमि और कर्म भूमि भी रही है। और इसलिए मैं इस मेडिकल कॉलेज को स्वर्गीय माधव बाबू के नाम पर समर्पित कर रहा हूं। इस मेडिकल कॉलेज को स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर जाना जाएगा और उन्हें समर्पित करते मेडिकल कॉलेज में उनकी प्रतिमा को भी लगाने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार पुनः चौड़ा किया जा रहा है। समाज को बांटने वाले लोकतंत्र से धोखा कर मेडिकल कॉलेज को स्वर्गीय माधव बाबू के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्टर सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। छिंदवाड़ा में युवक युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया। 350 से अधिक युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया और उन्होंने भविष्य के बारे में भी बताया।
छिंदवाड़ा में हुआ युवक युवती सम्मेलन, 350 से अधिक युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया और अपने भविष्य के बारे में भी बताया। युवक युवती आए हैं सम्मेलन में, 200 करीब का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है और अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, मेरे ख्याल से 300 के आसपास संख्या पहुँच रही है। ये समाज का शिविर लगाना क्या उद्देश्य देना है समाज में आपको? देखिए, 1975 में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय समाज संस्था का गठन और तब से हम समाज को संकित करने के उद्देश्य से और समाज में जो अनावश्यक खर्च शादी के रूप में, दहेज के रूप में समाज के जो सामाजिक भाई है उनके बीच में जो आ रहा है उनको कम करने के उद्देश्य से हम इस प्रकार के आयोजन करते हैं और एक मंच पर समाज के सारे युवक और युवतियां जो विवाह योग हैं उनको, जो जरूरतमंद सामाजिक बंधु हैं उनको जानकारी उपलब्ध हो जाए, इसलिए इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करके उनको प्रेरित करते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम, ऐसे महंगे कार्यक्रम ना करके और समाज में आकर के कार्यक्रम करिए ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का वित्तीय बोझ ना हो और आप किसी प्रकार के कर्जे के बोझ में ना रहें और आगे चल करके परेशान हो। ये किस किस क्षेत्र में किया गया सम्मेलन मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के कई जिलों में सम्मेलन हो चुका है। हमने पिछली बार छिंदवाड़ा में 23 और 24 अप्रैल 2017 में अखिल भारतीय सम्मेलन किया था गुड़मौर ग्राउंड में और इसके अतिरिक्त जबलपुर में, बालाघाट में, बैतूल में, होशंगाबाद में ये सम्मेलन हम बदल बदल करके स्थान करते रहते हैं क्योंकि ये सम्मेलन छिंदवाड़ा जिले की कमेटी की ओर से आयोजित है, इसलिए अपने जिले का जो कार्यक्रम होता है छिंदवाड़ा या अन्य कोई जिला वो अपना कार्यक्रम अपने जिले में करता है, लेकिन जब मध्य प्रदेश क्षेत्रीय समाज संस्था कार्यक्रम आयोजित करती है तो उसके स्थान परिवर्तित होते रहते हैं और अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करते हैं। आपके समाज में बहुत सी प्रतिभाएं भी हैं, बहुत से बड़े बड़े अधिकारी भी हैं जो कतिया समाज से निकल के बड़ी पोस्ट पे गए हैं, बताइए कुछ उनके बारे में। अपर जिलाधिकारी नगर अशोक कुमार कनौजिया, अपर जिलाधिकारी एवं वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अनुराधा सिंह, ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ चीफ वार्डन अनिल कुमार गुप्ता, डिप्टी चीफ वार्डन रिजर्व सरदार अजीत सिंह ने रक्तदान किया। अपर जिलाधिकारी श्री अशोक कुमार कनौजिया जी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री एमपी सिंह जी, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा श्रीमती अनुराधा, ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ चीफ वार्डन श्री अनिल कुमार गुप्ता, डिप्टी चीफ वार्डन श्री सरदार अजीत सिंह ने किया। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की टीम की अगुवाई में विस्तृत जांच पड़ताल के बाद वैतनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तकरीबन 2 दर्जन से अधिक अवैतनिक वार्डनों ने उत्साह रक्तदान किया। एडीएम सिटी के कनौजिया जी व एडीएम वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह जी ने संयुक्त रूप से सिविल डिफेंस के वार्डनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, आप लोगों द्वारा किया गया रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है, ऐसे में हर व्यक्ति को रक्तदान करना आवश्यक है। तमाम अवसरों पर ड्यूटी कर प्रशासन का सहयोग करने वाले वार्डनों ने श्रमदान के साथ आज रक्तदान कर समाज सेवा में एक अनूठी मिसाल पेश की है। प्रयागराज से संवाददाता रणविजय यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा आगमन पर पुलिस द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। एसपी सभी क्षेत्रों की चेकिंग पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने जानकारी दी और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी मौजूद रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा आगमन पर पुलिस द्वारा की जा रही तैयारियों, एसपी और क्षेत्रों की चेकिंग पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने जानकारी दी। चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी पुलिस। एमपी छिंदवाड़ा से दीपक सोनी की रिपोर्ट। जैसा आप सभी को पता है कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे, क्योंकि प्रथम बार उनका छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ उनके स्वागत और यहाँ मिलने की लोगों की तैयारियाँ हैं, तो उसी के मद्देनज़र आज सभी पुलिस के अधिकारियों के साथ मैंने एयर स्ट्रिप से लेके उनके निवास और साथ में जो प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल है पोला में ग्राउंड में वहाँ तक मैंने पूरी व्यवस्थाएं देखी हैं और पुलिस के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी यहाँ आए हुए थे, उनको तैयारियों के लिए मैंने निर्देशित भी कर दिया है। कल नए कलेक्टर के साथ एक बैठक लेके हम लोग सभी विभागों को इसमें जो जो तैयारियों के निर्देश देने हैं वो दे दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रयागराज में कुंभ 2019 का आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में शहर में सुविधाओं का भी विकसित किया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रयागराज में कुंभ 2019 का आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के लिए शहर की अव्यवस्था सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। उन्होंने शहर के विकास और प्रयागराज वासियों और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहां के लोगों ने प्रशासन की सहायता की है उसके लिए दिल से बहुत ही आभारी हूँ। मंडलायुक्त ने कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय पर प्रकाशित पुस्तक तथा वर्ष 2019 में पर्वों के जानकारी वाली पुस्तक का विमोचन भी किया।
इस अवसर पर कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर रतनलाल हांगलू सहित वन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रयागराज से जिला संवाददाता रणविजय यादव की रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।